मैनोलो मार्केज रोका इज द न्यू बॉस ऑफ द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। दोस्तों कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे हिसाब से मैनोलो मार्केज रोका होने चाहिए इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच, और आज वो न्यूज आ चुकी है और ये मैं कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि भारतीय फुटबॉल टीम के जो नए हेड कोच हैं वो है मैनोलो मार्केज रोका, एक ऐसे कोच जो कि लगभग 2021 से हैदराबाद एफ सी के साथ जुड़े हुए थे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से एफ सी गोवा के साथ जुड़े। लगभग 3 सीजन हैदराबाद एफ सी के साथ बिताने के बाद और कुछ लगातार बहुत ही अच्छे प्लेयर देने के साथ उन्होंने एफसी गोवा को ज्वाइन किया, जहां पे भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि हमें एक ऐसे कोच की जरूरत है जो कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम सर्किट को समझता हो, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के प्लेयर्स को समझता हो, और ठीक ऑल इंडिया फेडरेशन ने एक ऐसे कोच को ही सिलेक्ट किया है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक जबरदस्त डिसीजन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इस वीडियो में बिल्कुल आपको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि क्यों अभी के हिसाब से मैनोलो मार्केज रोका बेस्ट चॉइस थे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उनके हिस्ट्री की। अगर मैं बात करूं इनकी तो एक स्पेनिश कोच हैं, लगभग 28 साल तक इन्होंने मतलब कि 28 साल की उम्र तक इन्होंने यहां पे खेला है प्रोफेशनल फुटबॉल, लेकिन अर्ली रिटायरमेंट के जस्ट बाद ही जो उनकी लास्ट क्लब थी उसी को एज एन असिस्टेंट कोच इन्होंने ज्वाइन किया था। और अगर मैं इनकी बात करूं तो लास पाल्मास की मेन टीम के साथ भी इन्होंने एज अ हेड कोच टाइम बिताया है और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है इनके, स्पेशली लास पाल्मास बी के साथ, जहां पे इनका 77% विनिंग परसेंटेज रहा है लास पाल्मास की बी टीम के साथ। हालांकि ये चीज वो लास पाल्मास के मेन टीम के साथ नहीं दोहरा पाए थे, लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेशली इंडिया में इंडियन सुपर लीग में जो इनका प्रदर्शन रहा है और जिस तरह के खिलाड़ी इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं अपने क्लब से, वो मैं कह सकता हूं वन ऑफ द बेस्ट, या कह सकता हूं मैं बेस्ट है यहां पे इंडियन फुटबॉल सर्किट में रिसेंटली। अगर मैं किसी भी कोच की बात, पहली बार हैदराबाद एफसी को आईएसएल का चैंपियन बनाया था 2021-22 सीजन में, और 22-23 सीजन में भी वो हैदराबाद एफसी को यहां पे प्लेऑफ्स में लेके गए थे। हालांकि वहां पे एटीके मोहन बगान से उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो इनका परफॉर्मेंस रहा हैदराबाद एफसी में एज अ हेड कोच वो बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो डिपेंडेंस था वो यहाँ पे बाकी कोचेस के जैसे यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स पे नहीं था, बल्कि इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल रूट से यहाँ पे प्लेयर्स को डेवलप किया। और किन किन प्लेयर्स को अगर डेवलप किया मैं बात करूँ तो शायद वन ऑफ द बेस्ट जो टैलेंट्स निकल के आए हैं यहाँ पे रिसेंटली इंडियन फुटबॉल के लिए उनको उन्होंने डेवलप किया है। बात मैं करूँ तो लिस्टन कोलासो, आकाश मिश्रा, मोहम्मद यासिर, चिंगलन सना सिंह, कुछ ऐसे नाम हैं जो इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, जिनको इन्होंने बहुत ज़्यादा गेम टाइम दिया है, और उसके बाद जो इन प्लेयर्स का प्रदर्शन रहा है आईएसएल में अपनी हैदराबाद एफसी के लिए, और जब ये प्लेयर्स लाइक आकाश मिश्रा जब मुंबई सिटी एफसी में गए वहाँ पे प्रदर्शन, और साथ में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का भी अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस यंग प्लेयर्स की तरफ से आया था, वो इन्हीं के कुछ प्लेयर्स की तरफ से आया था। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अभी तो इनका स्टिंग जो चल रहा है वो एफसी गोवा के साथ चल रहा है, तो कैसे ये इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो खबरें आ रही है और अभी जो सोर्सेज की तरफ से न्यूज आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि वो एज अ हेड कोच बने रहेंगे हैदराबाद एफसी के साथ 2025 तक, जो कि उनका करार है, और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के साथ उनका 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 2024 से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा और 2024, 2025, 2026 तक वो यहाँ पे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के साथ बने रहेंगे। और जैसे ही उनका हैदराबाद एफसी के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वैसे ही एज अ फुल टाइम हेड कोच हो जाएंगे, लेकिन जब भी यहाँ पे बारी आएगी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम की तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का वो हेड कोच रहेंगे। अगर आईएसएल का सीजन भी चल रहा होगा तो वो इंडियन कैंप को ज्वाइन करेंगे, ना कि हैदराबाद एफसी के साथ रहेंगे। तो कुछ ऐसे क्लॉज हैं, हालांकि अभी जो ऑफिशियली जो एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक न्यूज मिल रही है ये लगभग कंफर्म्ड है कि यहाँ पे वही होने वाले हैं हमारे नेक्स्ट हेड कोच। अगर मैं बात करूँ इनकी प्लेइंग स्टाइल की तो ये टिकी टाका फुटबॉल पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, पोजिशन बेस्ड फुटबॉल पर डिपेंडेंट है, बहुत ही ज्यादा पेशेंट फुटबॉल खेलते हैं, बॉल होल्डिंग, स्मॉल पासेस, क्विक पासेस, प्रॉपर जो टिकी टाका फुटबॉल होता है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये खेलते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और ऐसे ही कोच की जरूरत थी। स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को जानते हैं और हमें एक ऐसे ही कोच की जरूरत थी जो कि हमारे इंडियन प्लेयर्स को जानते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उनकी क्या कमजोरी है क्या मजबूती है वो अच्छे तरीके से समझते हों, उसके हिसाब से दोस्तों मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आपको क्या लगता है दोस्तों वो जरूर कमेंट करके बताइए, और कैसा लगा वीडियो दोस्तों वो जरूर बताइएगा। बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर मैं आ रहा हूँ, काफी रीजंस हैं इसके पीछे, बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हो इंडियन फुटबॉल रिलेटेड न्यूज और वीडियोज के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।